हेलो गाइस, कैसे हो। आज की वीडियो में राजस्थान जीके के 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछे गए और आगे भी पूछे जा सकते हैं। अगर आप लोग वीडियो आखिरी तक देखते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन जो कि आपको आने वाले जो राजस्थान के कंपिटिशन एग्जाम में आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। और राजस्थान जीके के डेली ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जी हाँ दोस्तों, ये जो पेपर है जेएन का हुआ था 2016 में, 21/8/2016 को, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान जीके के जो आगे पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, सावी नदी के तट पे प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है। जल्दी से आप लोग बताइएगा कि सावी नदी के तट पे प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल जो है बसा हुआ है। तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुरा। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करेंगे, किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना पाना माना है। जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भंडारकर। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करेंगे, कवि वृक्ष की उपाधि किस राजा को दी गई थी। कवि वृक्ष की जो उपाधि है वो किस राजा को दी गई, ऑप्शन बी मुंज को। क्वेश्चन नंबर 4 के हम बात करेंगे, चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा कि चित्तौड़ का तीसरा साका 1567-68 में। क्वेश्चन नंबर 5 के हम बात करेंगे, चल फिर सहाय की दरगाह राजस्थान में कहाँ पे है। चल फिर सहाय की जो दरगाह वो राजस्थान में कहाँ पे हैं, तो ये है चित्तौड़गढ़ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 के हम बात करेंगे, घूंघट घुगड़ी बांद्रा इमली क्या है। घूंघट घुगड़ी बांद्रा और इमली ये क्या है कि जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, तारागढ़ अजमेर के प्राचीर के विशाल बुर्जों का ये नाम है घूंघट घुगड़ी और बांद्रा इमली, जो कि पुराने जो विशाल बुर्ज बने हुए उनके ये नाम रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करेंगे, चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 7A इसका राइट आंसर होगा दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करेंगे, नागौर का बू गांव किस लिए प्रसिद्ध हुआ था। बू गांव नागौर का किस चीज़ के लिए फेमस है, तो ये मिट्टी के खिलौनों के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करेंगे, नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की क्या जगत की किस भाषा में है, या नहीं उपयुक्त कथन किस ग्रंथ के बारे में कहा गया। 9 का बी राइट आंसर हो जाएगा, राग कल्पद्रुम इसके ग्रंथ के बारे में कहा गया कि नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की ही क्या जगत की किसी भाषा में या है या नहीं है, इसके बारे में कथन कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, पोत होकर सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है। पोत होकर सरी आभूषण जो कि कहाँ पे पहना जाता है, आभूषण से जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न हम कई बार देखते हैं पूछे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गले में। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करेंगे, कुचामणि ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। कुचामणि ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा कि इसके जो कलाकार चेतराम हमिद वेग और ताराचंद्र जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करेंगे, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ पे, और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया, बांसवाड़ा के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, विद्यार्थी यूथ लीग 1929 की स्थापना दिल्ली में किसने की थी। विद्यार्थी यूथ लीग 1929 को इसकी स्थापना की थी। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा, जानकी देवी बजाज ने, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात कर रहे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा टीकाराम पालीवाल ने। 13 का राइट आंसर होगा टीकाराम पालीवाल ने, बाय मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करेंगे, डाबी जीवनी सामंतों की श्रेणी में राजस्थान में कहाँ पे प्रचलित है। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करेंगे, प्रजामंडल जो कि इनके सामने संस्थापक के नाम दिए गए और इनमें से गलत कौन सा आपको बताना है। जैसलमेर मिठालाल व्यास सही है, कोटा का न्यूनाराम शर्मा
ये भी ठीक है, जयपुर का कपूरचंद पांडे ये भी ठीक है, बूंदी का गोलीलाल यादव ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन फोर जो है इसका उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करेंगे। राजस्थान में एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, उस कमेटी को कौन सम्मिलित नहीं था? इन चारों में से भरतपुर और धौलपुर रियासत को जब शामिल करना था एकीकरण में, तो उस समय कमेटी बनाई गई, उन चारों में से कौन नहीं था उस कमेटी में? तो MS जैन नहीं थे, बाकी सारे इस कमेटी में शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की थी? 17, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दशरथ शर्मा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, यहाँ पे राज्य के नाम दिए गए, और ये जो एकीकरण से पहले राज्य थे और जिनके पॉलिटिकल एजेंट जिनके नाम सामने दिए गए हैं, तो इनमें से सुमेलित नहीं है उदयपुर, कोटा, जयपुर और भरतपुर, चारों के दिए गए। जल्दी से आप लोग बताइए कौन सा गलत है। बिल्कुल जयपुर का मेजर लॉरेंस नहीं था, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 जो है हमारा उत्तर रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, भगत आंदोलन किस क्षेत्र से शुरू हुआ था? भगत आंदोलन बिल्कुल बिल्कुल डूंगरपुर बांसवाड़ा में। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करेंगे, झालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? झालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की जो नींव रखी थी वो रखी थी पृथ्वी सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे, राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है? और ये प्रश्न बहुत ईजी है, विषम कोणीय है। क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करेंगे, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, हमने पिछले वीडियो में बात की थी देशांतरीय विस्तार की, यहाँ पे हम अक्षांशीय जो विस्तार की बात कर रहे हैं, तो ये प्रश्न बहुत इजी है। और 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तर में। और क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करेंगे, अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्न में से कौन सी है? इन चारों में से आपको बताना है। तो 23वें का बी हो जाएगा, शेर। क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करेंगे, राजस्थान के किस भौतिक विभाग में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? वही कोटा के साइड में, हड़ौती प्रदेश, ऑप्शन सी। ऊपरमाल कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 25, ऊपरमाल हड़ौती का पठारी भाग है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करेंगे, थार के मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार की बालुका स्तूपों से पटी पड़ी है? थार के मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार की बालुका स्तूपों से पटी पड़ी है? तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा, पैराबोलिक है। क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करेंगे, राजस्थान भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम आपको बताना है। आरोही क्रम आपसे पूछा है, वो भी लंबाई के आधार पे। तो कांतली, चंबल, लूनी, बनास, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात करेंगे, पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा एक कारण नहीं है? तो ग्रीष्मकालीन के दौरान उच्च वायु दाब। क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात करें, निम्न में से कौन सा मिट्टी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है? सबसे ज़्यादा मिट्टी राजस्थान में एरिडिसोल्स एंड एंटीसोल, सबसे ज़्यादा एंटीसोल है। क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करेंगे, माउंट आबू क्षेत्र में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 की हम बात करेंगे, राजस्थान में विधि द्वारा संरक्षित एवं विश्व धरोहर में शामिल अद्वितीय पक्षी संरक्षण, बिल्कुल वही केवलादेव घना पक्षी। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? 32, तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की हम बात करेंगे, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में 2013-14 में बोई जाने वाली फसलें कौन सी है? सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली फसल है अनाज। क्वेश्चन नंबर 34 की हम बात करेंगे, वर्ष 2012 की पशु गणना अंतिम के अनुसार राजस्थान की कुल पशु संख्या है? 2012 के अनुसार यहाँ से पूछा गया, क्योंकि 2016 का पेपर था, तो
तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा 577 लाख। निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा राज्यों में संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन सी व्यास परियोजना। 36 की हम बात करेंगे, इंदिरा गांधी नहर की चौधरी कुंभाराम लिफ्ट से राजस्थान के कौन से जिले से लाभ मिलता है? बिल्कुल हनुमानगढ़ और चूरू। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, कुंभाराम लिफ्ट नहर से हनुमानगढ़ और चूरू को यहाँ पे पानी मिलता है। 37 की हम बात करेंगे, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है। देखिए राजमार्ग डाटा चेंज होता रहता है और 2016 का पेपर है, तो इसके ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76, लेकिन ये चेंज होता रहता है। 38 की हम बात करेंगे, सुपर नेशनल हार्डवेयर योजना निम्न में से राजस्थान के सड़क मार्ग का नाम है? तो महाराजा अग्रसेन मार्ग। 39 झामर कोटला किस खनन के लिए? वही रॉक फॉस्फेट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और राजस्थान में कौन सा जिला वर्तमान में जिप्सम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? सबसे ज़्यादा नागौर बीकानेर के साइड में, तो 40 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, बीकानेर में सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में बताइए और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, राजस्थान जीके के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।